हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले पापा। आई एम धनंजय, ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी LDC स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आप सभी की आई हुई है। तो मे बी देख लेते हैं कि आपका असेसनल क्वालिफिकेशंस आपकी क्या क्या हैं, क्या एज लिमिट है और आपको क्या जो सैलरी है वो आपको मिलेगी। साथ ही इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, बाकी सारी डिटेल्स भी वहाँ पे आपको मैं डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपकी लोअर डिविजनल क्लर्क की जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, टोटल 18 पोस्ट है। लाइब्रेरियन Grade 3 में आपकी एक पोस्ट है, स्टेनोग्राफर में आपकी 5 पोस्ट है। आपका रिम्यूनरेशन आपका 18,750 रुपये आपका लोअर डिविजनल क्लर्क में मिलेगा, लाइब्रेरियन में आपका 35,400 रुपये आपको मिलेगा, स्टेनोग्राफर में 18,750 रुपये मिलेगा। देख लेते हैं असेसनल क्वालिफिकेशंस आपकी क्या क्या है। LDC में आपकी 12th पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपका कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपके 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, और आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा कंप्यूटर टेस्ट के लिए। बात करते हैं लाइब्रेरियन में, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ ही आपका अगर लाइब्रेरी साइंस में है तो भी बहुत अच्छी बात है। और ये जो डिजायरेबल है ये आपका कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके पास है देन इट विल बी गुड, अगर नहीं है तो भी ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है कि कंपलसरी आपको बाहर कर दिया जाएगा। बात करते हैं स्टेनोग्राफर में 10+2 आपका मांगा गया है, साथ ही अगर आपने मेट्रिकुलेशन आपका 10th आपका पास है या 5 ईयर्स की आपकी जो सर्विस अगर आपने करी हुई है, और आपका जो स्किल टेस्ट है वो आपको आना चाहिए, और डिक्टेशन इसमें 80 वर्ड पर मिनट की आपकी रहेगी, और कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टेनोग्राफर के लिए कहीं ना कहीं आप सभी के लिए ये एक मौका है। अब यहाँ पे मोटा मोटा देख लेते हैं, जूनियर वॉल्डन का यहाँ पे 3 वैकेंसी आई हुई है। SSNL में आपका मेट्रिकुलेशन आपका मांगा गया है, फिर इसमें एक्सपीरियंस आपका एज ए स्टोर कीपर पब्लिक रिलेशन के तौर पर, नहीं तो आपका अगर कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग अगर आपने इसमें इस फील्ड में करी हुई है तो भी कहीं ना कहीं जूनियर वॉल्डन के लिए आप एलिजिबल हैं। आपका रिम्यूनरेशन सेम यहाँ पर भी 18,750 रुपये यहाँ पर रखा गया है। देख लेते हैं स्टोर कीपर का, तो यहाँ पे आपकी मास्टर डिग्री मांगी गई इकोनॉमिक्स कॉमर्स या स्टेटिक्स में, 35,400 रुपये रिमुनरेशन आपका रहेगा। डिजायरेबल में आपको ये जो क्वालिफिकेशन आपको दी गई अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल भी बाहर नहीं किए जाओगे क्योंकि ये डिजायरेबल है, कोई कंपलसरी यहाँ पे नहीं कि नहीं SSNL आपकी होनी ही होनी चाहिए। बात करते हैं जूनियर इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है, 35,400 रिमुनरेशन आपका है, 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जैसे BTech वगैरह रहते हैं पॉलिटेक्निक के थ्रू रहता है तो कहीं ना कहीं आप कर सकते हो। फिर आपका JEE आपको होना चाहिए AC&R में, तो इसमें भी आपका 3 ईयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस स्पेशलाइज्ड कोर्स इन रेफ्रिजरेशन। देखिए AC&R मतलब क्या होता है कि AC और रेफ्रिजरेटर, तो इसमें आपका स्पेशलाइज्ड कोर्स आपको होना चाहिए रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग में किसी से भी, अगर आप पॉलिटेक्निक के या किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू हैं तो भी आप कर सकते हैं, 35,400 इसका रिम्यूनरेशन आपका रहेगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आपका टोटल 1 वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है हिंदी या इंग्लिश में, या इंग्लिश या हिंदी में मेन एक सब्जेक्ट आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अलावा तो आपका अगर हिंदी से भी है ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो। इसका जो रिम्यूनरेशन है वो आपका 22,020 रुपये आपका ओवरऑल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बैचलर डिग्री वाले के लिए भी दिया गया, तो एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अब इसके बाद योगा इंस्ट्रक्टर का आपका आया हुआ है, टोटल 2 वैकेंसी, एक मेल का एक फीमेल का, 44,900 Level 7 का रिम्यूनरेशन आपको दिया गया है। आपका इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए योगा से, 10 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग और ट्रेनिंग ऑफ योगा में आपका होना चाहिए। डिजायरेबल में आपका क्या है ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके पास है देन इट विल बी गुड। फिर आपका MSSO Grade 3 में टोटल 3 वैकेंसी है, इसमें आपका मास्टर होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन सोशल वर्क में आपका होना चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए वेलफेयर या हेल्थ एजेंसी से आपके पास होना चाहिए। आपके पास टोटल रिम्यूनरेशन आपका 35,400 रुपये आपका इसमें है। फार्मासिस्ट की बात करें तो आपका SSNL में आपका डिप्लोमा होना चाहिए फार्मासी में, दूसरा आपका एक फार्मासिस्ट के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका डिजायरेबल में आपका है कि नहीं फार्मेसी में डिग्री आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपका पूरा, डिजायरेबल नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, 22,020 रुपये। फिर आपका प्रोग्रामर की वैकेंसी आपकी आई हुई है, फिर आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की आई हुई है, असिस्टेंट डाइटिशियन की आई है, MRT की आई हुई है, यहाँ पर आपको रिम्यूनेशन दिया गया है, यहाँ पर आपको SSNL आपको चीज़ें दे दी गई, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी पोस्ट को अप्लाई करें तो सबसे पहले उसका जो क्वालिफिकेशन है वो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे डेंटल टेक्नीशियन की भी आई हुई है, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट की भी आपकी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, मोटरी अटेंडेंट की आई हुई है, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट की आई है, टेक्नीशियन की आई हुई है, ऑप्टोमेट्रिक्स। अब देखिए ऑप्टोमेट्रिक्स वालों के लिए बेहतर मौका है, यहाँ पर उनके लिए वैकेंसी आई हुई है। आपका जो रिम्यूनरेशन है 35,400 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर आपका टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की आई हुई है, टेक्नीशियन लेबोरेटरी की आई हुई है, फिर आपका
टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की आपकी आयु है, फिर आपका परफ्यूमिस्ट का भी, आप देख सकते हैं कि हर अलग अलग पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की आपकी यहाँ पे आई हुई है, टेक्नीशियन लेबोरेटरी की भी आपकी यहाँ पर आई हुई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टोटल 27 पोस्ट के लिए आपका जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल वाले स्टूडेंट जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं आप सभी भर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरऑल, तो यहाँ पर सिलेक्शन जो होगा वो पूरा रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड आपके नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली आपका किया जाएगा। और जो कहीं ना कहीं अगर इस डिपार्टमेंट में वर्किंग है वो सबसे पहले उन्हीं को प्रेफरेंस आपका दिया जाएगा। बाकी आपका इंटरव्यू, ज्वाइनिंग, इन सब के लिए कोई भी TA/DE आपको नहीं मिलेगा। और इस एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको BECIL की वेबसाइट पर जाना है, कैरियर सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अप्लाई करने का लिंक चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसमें से कोई भी पोस्ट के लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी आगे अपडेट्स रहेंगी वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताता रहूँगा। साथ ही यहाँ पे देख लीजिए मेन की क्या क्या स्टेप्स आपको वहाँ पे मांगे जाएंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो बाकी ये सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और भी आगे अपडेट्स आपको BECIL के बारे में मिलती रहेंगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको लिंक वगैरह सारी अपडेट्स वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। ओके।